नमस्ते बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में। आज हम लोग कक्षा 8 के एसएसटी के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3 के अध्याय 2 अर्थात धर्म निरपेक्षता की समझ, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, इस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने पहले अध्याय में भारतीय संविधान में जो आधारभूत तत्व हैं उनकी चर्चा की थी। तब भी हमने धर्मनिरपेक्षता की थोड़ी चर्चा की थी। आज हम धर्मनिरपेक्षता क्या है और क्यों आवश्यक है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी, कल्पना करिए। हम ऐतिहासिक संदर्भों को ले लें। विश्व के अधिकांश देशों में ऐसा हुआ है कि जब राज्य का अपना एक धर्म होता है, यानी राज्य किसी एक धर्म को प्रश्रय देता है, तो उस देश में, उस व्यवस्था में, उस समाज में जो धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं उनके साथ भेदभाव, उत्पीड़न होता है, उनके जान माल संपत्ति से उनको बेदखल तक किया जाता है, उनको अपने धर्म को मानने के लिए अलग तरह के, कई तरह के टैक्स भी देने पड़े हैं, ऐसा इतिहास में वर्णन है। वर्तमान समय में भी हम कई देशों में धार्मिक आधार पर भेदभाव देखते हैं। एक स्थिति की कल्पना कीजिए कि आप इंग्लैंड या अमेरिका के किसी देश में गए और वहाँ आपके साथ, चूंकि आप हिंदू या मुस्लिम हैं और वो इलाका ईसाई बहुल है, तो वहाँ आपको अपने धर्म को ना मानने दी जाए, आपको अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ या अन्य गतिविधियों से रोका जाए, आप कैसा अनुभव करेंगे? निश्चित रूप से आपका अनुभव अच्छा नहीं होगा। इसी स्थिति से बचने के लिए राजनीति शास्त्रियों ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म। हम देखें कि आप नाजी जर्मनी की बात ले लें। जब जर्मनी में हिटलर का शासन था तो उसने लाखों यहूदियों को केवल इस आधार पर कि वो दूसरे धर्म को मानते थे उन्हें भीषण यातनाएं दी गई और लाखों लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार डाला गया। निश्चित रूप से ये किसी भी स्थिति में अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। जब सारे विश्व में लोकतंत्र का उदय होने लगा तो लोकतंत्र के उदय के साथ ही कई आधुनिक अवधारणाएं विकसित हुई। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण अवधारणा है धार्मिक स्वतंत्रता हेतु धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, अर्थात धर्म और राज्य, धर्म की सत्ता और राज्य की सत्ता अलग-अलग रखी जाए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई जिसके द्वारा राज्य सत्ता, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था क्यों की गई? ताकि वह राज्य सत्ता को और बहुमत को निरंकुश होने से रोके, अल्पसंख्यकों के ही नहीं सारे व्यक्तियों के अधिकारों की प्रतिष्ठा हो, उनके अधिकारों को सम्मान दिया जाए, इसके लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। धर्म को नागरिक का व्यक्तिगत विषय माना गया, उसे अपनी आस्था की छूट दी गई और इसके लिए धर्म और राज्य सत्ता को अलग-अलग रखा गया। इसके साथ ही धर्म से राज्य को अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म कहा गया। अब हम धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है इसकी चर्चा करें। तो अधिकांश देशों में एक से अधिक धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे देश में तो लगभग दुनिया के सारे धर्मों के लोग रहते हैं और लोकतंत्र है तो जाहिर है जिस दल को बहुमत मिलेगा, बहुमत जिस का समुदाय जिस शासक वर्ग के साथ होगा उसको सत्ता मिलेगी। अगर धार्मिक आधार पर लोग किसी एक दल को मानने लग जाएं और उसी बहुमत वाले धर्म को राज्य भी अपना ले तो क्या होगा? जो धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे उनके साथ भेदभाव या उत्पीड़न होगा। ऐसे में उनसे रक्षा के लिए धर्म को राज्य से अलग रखना आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2,
अन्य महत्वपूर्ण कारण क्या है कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, ये आधुनिक परिभाषा है। पहले धर्म को समुदाय के साथ जोड़कर रखा जाता था, धर्म के लिए बहुत रूढ़िवादी मान्यताएं थी। अब के सभ्य समाज में यह कहा गया कि धर्म किसी भी व्यक्ति का निजी मामला है, कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है या छोड़ सकता है, साथ ही वो धार्मिक उपदेशों की अपने ढंग से व्याख्या कर सकता है, यहां तक कि कोई व्यक्ति नास्तिक भी हो सकता है, यानी वो किसी धर्म को ना माने। तो हम किसी व्यक्ति को किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उसके किसी धार्मिक मान्यता के लिए उसका किसी भी सूरत में उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। अतः धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप अनावश्यक है, इसलिए धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है। भारत के मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता का भाव तो आरंभ से था, किंतु धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर शब्द संविधान में वर्णित नहीं था। इसे 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष या सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। इसके आधार पर संविधान के अधीन भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निरपेक्षता का भाव रखता है। उद्देश्य क्या है भारत में धर्मनिरपेक्षता को अपनाए जाने का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है कि एक धार्मिक समूह, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, उसे यह अधिकार कतई नहीं दिया जा सकता कि वह दूसरे धर्म के लोगों को दबाए, उनका उत्पीड़न करे। दूसरा उद्देश्य है कि एक ही धर्म के मानने वाले उसी धर्म के दूसरे लोगों को भी किसी आधार पर उत्पीड़ित ना करें, उनको सताएं नहीं। जैसे अगर अगड़ी जाति के लोग हैं वो दलितों का उत्पीड़न करें धार्मिक आधार पर, छुआछूत की भावनाओं को लेकर, तो यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं समझा जा सकता। सुन्नी हैं वो सियाओं का उत्पीड़न करें, कैथोलिक हैं वो प्रोटेस्टेंट का उत्पीड़न करें। तो कहने का मतलब है कि एक ही धर्म के लोग अपने धर्म के अंदर जो दूसरी मान्यताओं के लोग हैं उनका उत्पीड़न भी नहीं करें। साथ ही भारतीय धर्म निरपेक्षता की एक और उद्देश्य है कि राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। इसके साथ ही राज्य पोषित किसी भी सार्वजनिक संस्था या स्थल में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन या उनका दमन नहीं किया जाएगा। ये एक मिस्टेक हुआ कि किसी भी धर्म को न तो प्रोत्साहन दिया जाएगा और न उनका दमन किया जाएगा। इन चार उद्देश्यों को अपनाने के लिए भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को अपनाया गया। अब अन्य देशों से हम तुलना करें, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों की बात ले लें। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संविधान लागू किया गया, तो उसमें संविधान लागू किए जाने के बाद यह तय किया गया कि वो क्रिश्चियन बहुल देश होने के बावजूद उन्होंने तय किया कि उनके देश का स्वरूप पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष होगा। एक अपवाद है कि वहाँ जब विद्यालयों में विद्यार्थी प्रार्थना सभाओं में भाग लेते हैं तो वो एक सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं और उसमें ईश्वर के प्रति निष्ठा का वर्णन किया गया, चर्चा की गई है कई बार इस आधार पर कि वो धर्मनिरपेक्षता की भावनाओं के विरुद्ध है, वो चर्च के प्रति झुकाव दिखाता है, इस पर आपत्ति की गई। किंतु ये एक अपवाद अभी भी जारी है, अन्यथा वो अमेरिका में पूर्णतः लोग निरपेक्ष भाव से धार्मिक मामलों को अपनाते हैं। अभी अमेरिका में एक आंदोलन चल रहा है ब्लैक लाइफ मैटर्स,
एक अश्वेत व्यक्ति की श्वेत मूल के पुलिस कर्मियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उस अश्वेत के मृत्यु के प्रतिकार स्वरूप लगभग सारा अमेरिका उबल पड़ा, और विरोध करने वाले केवल अश्वेत नहीं थे, उनका समर्थन के लिए वहां रहने वाले सभी जाति धर्म के और श्वेत अश्वेत सारे लोग सम्मिलित हुए। इससे पता चलता है कि वहां भी धर्म निरपेक्षता ऊंचे दर्जे की है। फ्रांस की बात ले लें, फ्रांस ने 2004 ईस्वी में एक संशोधन कानून में एक संशोधन पास किया, जिसके द्वारा विद्यालयों में किसी भी तरह का धार्मिक प्रतीक पहनकर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। यानी ना कोई पगड़ी पहन सकता, ना कोई हिजाब लगा सकता, ना कोई बड़े आकार का क्रॉस पहन सकता है। इसका विरोध किया गया, किंतु फ्रांस ने इन सारे विरोधों को मानने से इनकार कर दिया, और जो बच्चे इस जिद पर थे कि वो पगड़ी पहनकर जाएंगे या हिजाब लगा कर जाएंगे या बड़ा सा क्रॉस पहन कर जाएंगे, उन्हें विद्यालयों में जाने से रोक दिया गया। यह बताता है कि वो धार्मिक आधार पर बड़े ही निरपेक्ष होते हैं, उनका उनकी व्याख्या है। किंतु भारत के संदर्भ में कुछ अपवाद हैं। यहाँ सार्वजनिक विद्यालयों में तो किसी भी धर्म के प्रति विशेष झुकाव नहीं दिखाया जा सकता, इसकी मनाही है, इस पर रोक है, किंतु धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने विद्यालय और संस्थाएं चलाने की इजाजत है, और कुछ पाबंदियों के साथ सरकारें इनका वित्त पोषण भी कुछ कुछ हद तक वित्त पोषण भी करती हैं। यानी बहुसंख्यकों की तो नहीं, किंतु अल्पसंख्यक अपने को अलग थलग महसूस ना करें, इस बात को आधार बनाकर सरकारों ने यह नियम पास किया कि धार्मिक अल्पसंख्यक अपने लिए अलग तरह के विद्यालय जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप हों, उनका संचालन कर सकते हैं। यह छूट केवल भारत में है। साथ ही एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक और उदाहरण की चर्चा करें। आप 8वीं कक्षा की पुस्तक में देखेंगे, एक चित्रकथा उसमें दिखाई गई है कि दो लड़के बाइक में चले जा रहे हैं, और एक लड़का एक दूसरे लड़के से कहता है, एक लड़का जिसने हेलमेट पहन रखा उसने दूसरे सिख युवक से कहा जिसने हेलमेट नहीं पहना था, कि तुमने हेलमेट नहीं पहना तो सड़क पर चल रहे हो, तुम्हारे ऊपर पुलिस जुर्माना लगा सकती है। तो उस लड़के ने कहा, नहीं, मुझे जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि मेरी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मेरे लिए पगड़ी पहनना अनिवार्य है, और चूंकि मैं पगड़ी पहनूंगा तो इसमें हेलमेट असुविधाजनक होगा, इसलिए मुझे हेलमेट पहनने से छूट मिला होगा। यह भारत में ही संभव है, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में इस बात की चर्चा की गई है, इस बात की आज़ादी दी गई है कि धार्मिक अल्पसंख्यक भी अपने को उपेक्षित महसूस न करें, और कभी किसी भी स्तर पर आकर बहुसंख्यक वर्ग उनकी धार्मिक मान्यताओं को दमित उत्पीड़ित ना करें, उनके अधिकारों से उनको वंचित नहीं किया जाए, इसके लिए भारत में धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म की व्याख्या की। तो उम्मीद है कि आज की कक्षा से आपको धर्मनिरपेक्षता के बारे में अपने विचार स्पष्ट करने में कुछ सहायता होगी। धन्यवाद।